कोई यदि भगवान को कैद कर लेगा तो हम क्या करेंगे? बोले काहे गोली किसी को मरवा देगा भाई, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे हुए, हमको कोई गोली कहाँ मार रहा है। स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जो थे, मैं उनको पहले ही भगवान मानता था, आज भी मैं मानता हूँ। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिनों हाजीपुर में एक बड़ा बयान दिया था। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साठगांठ अपराधियों से है, अगर नीतीश कुमार चाहें तो चिराग पासवान को गोली भी मरवा सकते हैं। वहीं अब इस बयान पे चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले आप वो सुनिए। अब कोई यदि भगवान को कैद कर लेगा तो हम क्या करेंगे? बोलिए, भगवान स्वतंत्र हैं, लेकिन आप यदि उसको कैद कर लीजिएगा, एक बंद कमरे में बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब जो थे, मैं उनको पहले ही भगवान मानता था, आज भी मैं मानता हूँ। देखिए, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, मैं रोज़ स्नान करके पूजा करता हूँ, तभी अंजल करता हूँ, इसलिए मैं पहले भी उनको भगवान मानता था, आज भी भगवान मानते हैं। और वो हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, हमारे समाज के लिए फिर अम्बेडकर माने जाते थे पासवान जी। काहे गोली किसी को मरवा देगा भाई, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे हुए, हमको कोई गोली कहाँ मार रहा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन विरोध होना चाहिए, अच्छे ढंग से विरोध आप करिए, सही विरोध करिए, तो समाज में, देश में उसकी एक मान्यता है, विपक्ष का एक मान्यता है। कोई भी सरकार किसी को गोली क्यों मरवा देगा? तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कहा है कि कौन चिराग पासवान को गोली मरवा देगा। विपक्ष का काम होता है सरकार तक सवालों को पहुंचाना कायदे कानून के साथ। पशुपति पारस ने इतना तक कहा कि चिराग पासवान ने जिस दिन राजभवन मार्च किया था, उस दिन चिराग पासवान को प्रशासन ने लाठी तक नहीं मारी, शांतिपूर्ण तरीके से उनको गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। तो आखिर किसकी हिम्मत है जो चिराग पासवान को गोली मार देगा? सरकार का काम ये नहीं है। पशुपति पारस ने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं वो उनका अपना पर्सनल थिंकिंग होगा, लेकिन सरकार तक अगर आप सवाल पहुंचाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको गोली मरवा देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार। काहे गोली किसी को मरवा देगा भाई, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, सैकड़ों लोग बैठे हुए, हमको कोई गोली कहाँ मार रहा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, लेकिन विरोध होना चाहिए, अच्छे ढंग से विरोध आप करिए, सही विरोध करिए, तो समाज में, देश में उसकी एक मान्यता है, विपक्ष का एक मान्यता है। कोई भी सरकार किसी को गोली क्यों मरवा देगा?